हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट एकेडमी सबसे पहले स्वागत है तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में जो आपको सिखाया था वो आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया अगर हाँ तो आज जो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा वो एक अलग ही लेवल के होंगे आर आर बी जे के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सबसे ज्यादा पजल एंड सिटिंग करना है ठीक है सात हजार नौ सौ पोस्ट है एक पोस्ट आपको लेनी है एप्लीकेशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है एंड uh, बात करते हैं हम लोग आगे कि अगर सीबीटी वन सीबीटी टू का कोर्स लेना चाहते हैं तो ट्रिपल सेवन में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है बट अगर सीबीटी वन चाहिए तो फोर डबल नाइन में हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे ऑनली ऑन गेट अकेडमी डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें वहां से परचेज कर लें तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने पहले क्वेश्चन में क्या कहा एट फ्रेंड्स है एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा नेक्स्ट आप करना तो आठ लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं तो आठ लोगों की पोजिशन हम लोग पहले फिक्स करते हैं हमेशा ठीक है अब इसके बाद आपसे क्या कहा है उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे आठ लोग यहां पर बैठे हुए थे बी सिट्स बिट्वीन जी एंड डी यानी आपसे कह रहे हैं बी जो है वो डी और जी के बीच में बैठा है तो हम कहते हैं डी यहां होगा और जी यहां होगा या फिर डी यहां होगा और जी यहां होगा वाइस वर्सा हमें नहीं पता होगा बट दोनों में से एक पोजीशन पे होगा बी सिटिंग बिटवीन जी एंड लेकिन पर ए के सेकेंड right तो राइट right ऐसे आएगा सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी तो देखिए ए यहाँ पर है जी यहाँ लेंगे तभी जहां आकर हम सी कर पाएंगे ये मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था और आप लोगों को बताया भी था

तो इस तरीके से सिटिंग मैनेजमेंट का ये पूरा क्वेश्चन हुआ था बढ़ते हैं हम लोग आज के सेकंड क्वेश्चन पे विद टाइमिंग आप लोग टाइम लीजिए और टाइम के हिसाब से सॉल्व कीजिए यू हैव 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ जब आप क्वेश्चन करेंगे तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा जल्दबाजी मत कीजिएगा

अच्छा क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है सिंपल वाला क्वेश्चन है मतलब बहुत टफ वाला क्वेश्चन नहीं है थोड़ा भी सोच लिया तो आंसर मिल जाएगा इसका चलिए टाइम अप होने वाला है प्लीज फोकस करिए टाइम अप देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले बोला क्या है आठ मित्र डी ई एफ एच हमने आठ मित्र ये बनाए यानी आठ प्लेस हमने यहां पर ले ली आप इनके बारे में कुछ कंडीशंस दी होंगी उन कंडीशंस को ध्यान से देखेगा देखिए एफ इज बिटवीन ए एंड एच अब हमें एफ का नहीं पता बट एफ कहां पर है एफ इज बिटवीन ए एंड एच एक पॉसिबिलिटी ये एफ इज बिटवीन ए एंड एच एक पॉसिबिलिटी है e इज टू द राइट ऑफ जो e है, वो ए के सेकेंड राइट right है तो ए के सेकेंड राइट right यहां तो हो नहीं सकता अगर ए लेफ्ट में होगा ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए तो ई e की पॉसिबिलिटी यहां होगी तो देखिए पांच पोजिशन हमें फिक्स हो गई एच एफ ए ब्लैंक और ई e. तो हम क्या करेंगे एच एफ ए और ए के राइट में e. तो आप देखिए यहां पर कौन आएगा तो ए हो गया बी हो गया सी है तो सी यहां पर आ जाएगा फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से ए का स्थान कौन सा है तो ए का स्थान कौन सा है ये पूछा है लेफ्ट ऑफ एफ राइट ऑफ एफ हाँ जी एफ के राइट में तो सेकंड वाला आपका सही होगा ठीक है और यहां पर देखिए बी और जी की कंडीशन अभी भी क्लियर नहीं हो रही है तो आपका आंसर लेकिन मिल गया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के थर्ड क्वेश्चन पे एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आज लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का प्लीज ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को यू हैव हैवन मिनट एंड थर्टी सेकंड्स मैं एकदम साइड में होके आपसे डिस्कशन करूंगा इस क्वेश्चन का आप लोग टाइमिंग के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें टाइम स्टार्ट्स नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ठीक है आर अराउंड नेबर ऑफ पी एस पी का नेबर नहीं है वी इज द नेबर ऑफ यू क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस फिर आपसे पूछा यू के विपरीत कौन बैठा है who is फोकस जो क्या आंसर कीजिएगा टाइम अप होने से पहले जो भी टाइम है आपका 22 सेकंड्स का टाइम है बचिए थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिए आंसर विद इन ट्वेंटी टू सेकेंड्स लास्ट टेन सेकेंड्स चलते आगे देखिए सबसे पहले केस को अच्छे से स्टडी करो ये जो लोग है कहां पर बैठे आर सीटिंग अराउंडर टेबर फेसिंग सेंटर सबका फेस कहा सेंटर है? है. हो गया अब सबसे पहले दिया पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी मैं यहां पर टी को बैठा हूं और पी को सेकेंड राइट right कर देता हूं के पी टी का फर्स्ट राइट right, second राइट right. यानी बात हो रहा है, is the of R जो टी है वो आर, आर यहाँ पर हो और बी यहाँ पर बट आर और बी की पोजिशन यही दोनों फिक्स होने एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी यानी हमसे क्लियर क्या है कि एस और पी दोनों पड़ोसी नहीं है तो डियर अब देखिए एस यहाँ नहीं आ सकता बाकी एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी एस यहां 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 तीन पॉसिबिलिटीज नेबर ऑफ यू वी पड़ोसी है किसका यू का तो अगर वी को यहाँ रखूंगा तो टी और पी का पड़ोसी होगा तो हम वी को यहाँ रख ही नहीं सकते यहाँ पर हमारा आर हो जाएगा और आप वी को यहाँ रखोगे ऑफ होम वी इज द नेबर ऑफ यू तो यू को आप यहाँ रखोगे एस के लिए अब दो स्थान बचे क्योंकि पी का पड़ोसी हो नहीं सकता एस यहाँ और यहां आएगा फिर लिखा है क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू हम देखिए क्यू इज नॉट बिटवीन एस एन डब्ल्यू क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड देखिए देखिये कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं सबसे पहली चीज हम एक काम करते हैं हमने ये डायग्राम लिया था एस पी का पड़ोसी नहीं है तो आप देखिए अगर आपको क्वेश्चन आगे और सोल्व करना वैसे तो जरूरत नहीं थी तो हम एक डायग्राम ये लेते हैं हमसे कहा था यू यहां पर आ गया वी यहां पर आ गया टी यहां पर आ गया आर यहां पर हो गया पी यहां पर आ गया एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी ये आ गया हमारे एस के लिए दो पोजिशन बची क्लियर और अगर एस यहां पर आ गया अब हमें दो केस समझ से समझने थे जो यहां से मैं हटा देता हूं दोबारा से लिख लेता हूं क्योंकि हमें लास्ट में बोला गया है क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू तो उसको यहां लिखता हूं मैं एस और डब्लू के बीच में क्यू नहीं आ सकता हमें U एंड S. 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 S के बीच में W नहीं आ सकता तो W तो यही फिक्स होगा और देखिए Q आपका यहां पर आ गया बचा होगा तो Q S और W के बीच में भी नहीं है और ये भी हमारा क्लियर हो गया आते हैं यहां पर अब आप देखिए आपका जो पहला पॉइंट था क्यू इज नॉट बिटवीन एस एन डब्ल्यू क्यू यहाँ नहीं आ सकता यानी आएगा और यहाँ क्यू आ जाएगा क्यों इज नॉट नॉट बिटवीन बिटवीन और देखिए इज एंड एंड देखिये बगल में हो गए तो फर्स्ट पॉसिबल केस ये है और सेकेंड पॉसिबल केस सी है बट पूछा क्या है हमसे हमसे पूछ रहे तो यू के विपरीत कौन है डियर यू के विपरीत तो हम पहले निकाल चुके थे जरूरत ही नहीं थी आगे सॉल्व करने की सो द करेक्ट आंसर इज वॉट पी पी इज द राइट आंसर यानी अगर आप देखेंगे यू के अपोजिट क्या होने वाला है यू के अपोजिट आपका पी होने वाला है ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री पूरा कंप्लीट हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ रुक करते हैं डमरू एकता फिलिप्स आनंद विभा चीना गीता एंड हीना आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग एट द सेंटर चीना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एकता

क्वेश्चन uh, आपको क्लियरिटी से दिख रहा होगा आंसर द क्वेश्चन विद इन द टाइम सामने टाइमिंग चल रही है एंड उसी टाइमिंग के साथ आपको इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है You have 13 seconds time। चलिए टाइम अप बढ़ते हैं आगे टाइम खत्म हो गया है हमारा अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा डियर जब आपको कभी शिट ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे इस पे बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन हो गया फोर्थ क्वेश्चन पे हम रुकते हैं Yes। हमसे कह रहे हैं डमरू एकता फिलिप्स आनंद विवा चीना गीता एंड आर सिटिंग ट्रेवल, फेसिंग द सेंटर सबका फेस का है, सेंटर में तो अभी तक आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं सबका फेस सेंटर में सबसे सबका फेस का है सेंटर में तो जब सेंटर में फेस है चाहे आप एरो बनाओ या ना बनाओ तो भी हमारा काम चल जाएगा ठीक है फिर लिखा है चीना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद हमें सबसे पहले दिया है चीना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद तो इसको रखता हूं मैं यहां चीना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद is is sitting third to the left of Anand. China is sitting third third to to the the left left of Anand. एंड, एंड मतलब And second to the right of, And second to the right of आपने अगर अभी तक नोटिस किया हो क्वेश्चन लगभग वही है बस नाम चेंज हो रहे हैं कंडीशन एक दो चेंज हो रही है बाकी सब कुछ वैसा ही है वैसे ही करने वाला है फिर लिखा इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ चीना तो चीना यहां पर है मैंने गलती से चाइना लिख दिया ठीक है तो इसको चीना कर लेना आप लोग चलिए मैं ही कर देता हूं क्लियर ये चीना है और आपसे कह रहे हैं विभा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ चीना फर्स्ट सेकंड तो यहां पर विभा आ गई विभा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ चीना क्लियर अब यहां लिखा है डमरू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ फिलिप्स अब फिलिप्स देखिए जो डमरू है इज सेकेंड टू द राइट ऑफ फिलिप्स अब यहां पर देखिए विच विच का मतलब है फिलिप्स की बात हो रही है विच यानी फिलिप्स पर्सन इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आनंद यानी जो फिलिप्स है वो आनंद के सेकेंड राइट होगा टू द राइट ऑफ आनंद ठीक है गीता इज नॉट एन इमीडिएट चीना यानी गीता जो है वो चीना की पड़ोसी नहीं है यानी चीना जहां भी होगी गीता उसकी पड़ोसी नहीं होगी गीता गीता उसकी पड़ोसी नहीं हुई इज नॉट द नेबर ऑफ चीना अब आप देखिए अब आप करोगे क्या सबसे पहले ये देखो आपका फिलिप्स आनंद एंड डमरू ये तीनों हर एक दूसरे से एक दो दो प्लेस की दूरी पर है अगर मैं फिलिप्स को यहां रखू तो मुझे डमरू यहां रखना पड़ेगा डमरू सॉरी फिलिप्स को यहां रखू तो आनंद यहां रखना पड़ेगा नहीं आनंद के सेकेंड राइट फिलिप्स है तो आनंद को यहां रखेंगे तो आपका फर्स्ट सेकेंड राइट फिलिप्स फिलिप्स के सेकंड राइट डमरू यहाँ आ गया और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती आप देखो बट आनंद तो हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है तो आनंद तो बैठा हुआ है तो आनंद के सेकंड राइट वन टू फिलिप्स यहां हो जाएगा और देखिए फिलिप्स फिलिप्स के सेकंड राइट right कौन है डमरू अब आपको क्या कहा था गीता इज नॉट दी नेबर ऑफ अच्छा एक काम करते हैं सबसे पहले हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी चीना इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद चीना के फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड लेफ्ट ऑफ आनंद राइट ऑफ फिलिप्स डमरू इज सेकंड टू द राइट ऑफ फिलिप्स विच पर्सन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आनंद विच पर्सन इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आनंद सेकंड टू द राइट ऑफ अनंत वन टू एंड फिलिप्स के सेकंड right हो गया वन टू अब आप देखिए यहां पर गीता कहां पर होंगी आपको इतना समझना है Next, जो दिया, दिया, आपको दिया गीता चीना तो गीता चीना की पड़ोसी नहीं हो सकती तो गीता यहाँ पर हो जाएंगी बचा कौन आठ लोगों में आठ लोगों में बचा कौन तो हीना बची है तो हीना डियर यहाँ पर हो जाएंगी हीना अब आपसे पूछा क्या है चीना के तत्काल दाहिनी और कौन बैठा है चीना के तत्काल दाहिनी और कौन बैठा है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गुड क्वेश्चन बेटा ये जबरदस्त क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है जब सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से कीजिएगा जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी में ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा डियर क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए आज वेरी गुड डियर आप लोगों ने किया नहीं किया बट आपको समझ में आएगा जब मैं इसको समझाऊंगा एंड प्लीज थोड़ा क्लियरिटी से समझने की कोशिश भी करना आप लोग आपसे क्या कह रहे वी यू एंड टी आर सिटेड इन सर्कल फेसिंग द सेंटर ठीक है आपको एक सर्कल दिया है इसमें छह लोग बैठे हुए हैं अच्छा सबसे पहला काम क्या करना है हमें बी यू टी आर सिटेड इन सर्कल एंड फेसिंग देंटर यानी बी यू टी आपके इन फेस कर रहे हैं A, B, C are also seated in the same circle, but two of them are facing the out. यानी आपसे कह रहा है A, B, C भी उसी सर्कल में है बट टू आउट है और एक इन है यहां पर दो लोग आउट एक साइड इन तो हम छह प्लेस बनाते हैं हमें नहीं पता कि कौन आउट है कौन इन बट हमें कंडीशन क्लियर करनी पड़ेगी तो हमने छह प्लेस इस तरह से बनाए ठीक है वी द लेफ्ट ऑफ सी यानी अगर आप देखिए वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी मुझे नहीं पता सी कहां बैठा है सी अंदर बैठा होगा तो वी लेफ्ट में कुछ और होगा बाहर बैठा होगा तो कुछ और होगा ठीक है यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए के सेकेंड राइट right आपका यू है अब देखिए बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी बी इज थर्ड टू ऑफ दी ये केसेस दिए हमने केस यहां लिख इज टू द राइट ऑफ टी जहां भी टी होगा T उसके सेकेंड राइट right होगा क्लियर है अब आपको दिया है ए इज सेटेड नेक्स्ट टू वी यानी जो ए है वो पड़ोसी है किसका B का यानी ए वी का पड़ोसी होगा ऐसा कहा गया अब आपको करना क्या है इसको समझिएगा डियर जब आप यहां पर देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले आप ये देखिए आपको किन लोगों की पोजिशन पता है फिक्स वीयू टी इनकी तो फिक्स है नहीं ए बी सी की तो वीयू टी में देखिए T को लेकर एक डेटा का है कि T के थर्ड लेफ्ट कौन है B तो अगर T यहां पर है तो वन टू थ्री थर्ड लेफ्ट B हो जाएगा क्योंकि T का फेस इनसाइड साइड क्लियर है और वैसे भी थर्ड लेफ्ट थर्ड राइट अपोजिट ही जाएगा क्योंकि छह लोग हैं और देखिए टी के सेकंड राइट कौन है सी अगर टी यहां पर है टी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट सी सेकंड राइट सी हो गया क्लियर है अब आप देखिए आपको क्लियर दिया वी और ए पड़ोसी है अगर वी और ए पड़ोसी है तो दोनों यही बैठ सकते हैं कहां बैठेंगे पता नहीं वी और ए यहां आएंगे तो एक चीज क्लियर है यू यहां पर आ जाएगा दूसरी चीज दूसरी चीज ये देखिएगा V और ए यहां पर आएंगे अब हम पता कैसे करें कौन बैठेगा? देखिए सी के सेकंड लेफ्ट कौन है v है। C, अगर बाहर देखेगा, बाहर, देखेगा, तो सी का लेफ्ट V यहाँ आएगा और सी अगर अंदर देखेगा सी का देखेगा बाहर देखेगा और सी का सेकेंड लेफ्ट कौन होगा वन टू सी के सेकंड लेफ्ट कौन है वी का पड़ोसी ए है तो देखिये वी अंदर देखेगा यू अंदर देखेगा ए अंदर देखेगा अब एक चीज तो 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 दो लोग आउट थे बी तो और सी बी और सी आपके आउट साइड देख रहे हैं तो बी और सी आउट साइड देख रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या पूछा है क्वेश्चन क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रमुख नहीं है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फेसिंग द सेंटर सी एंड ए नहीं आई थिंक बी और सी बी और सी आपके सेंटर की तरफ फेस नहीं किए हुए सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सी इज द राइट आंसर क्लियर है सी आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन hmm, गया हमारा क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ा जाए अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स अब मैं आपको एक मिनट बीस सेकंड का समय दूंगा टाइम थोड़ा सा कम करूंगा ऑलमोस्ट एक मिनट बीस ध्यान से आंसर कीजिएगा देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को वैसे भी मैं मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा अगर ध्यान से करोगे तो क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे समझ के करना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर क्वेश्चन गलत होते हैं जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है सिंपल सा एट पीपल जेके एल एम एन ओ पी are sitting around a circular table and facing the center not necessarily in the same order who is sitting third to the right of him यानी yani, हर किसी की कंडीशन दी है कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट right में बस हमें तो कंडीशंस को समझना है चलिए टाइम अप हो गया देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे राइट right? क्वेश्चन क्या है एट पीपल जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर सिटिंग अराउंड सेटिंग सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर तो आप देखिए आप क्या करोगे आठ लोग बैठे हुए हैं इस तरह से सबका फेस का है इनसाइड है क्लियर अब कह रहे हैं ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम मान लीजिए एम यहां पर है ओ वन टू थ्री यहां पर हो जाए देर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड जे तो एम और जे के बीच में एक लोग है तो एक केस तो आपका ये हो सकता है एम और जे के बीच में एक लोग है तो हम लिख लेते हैं एम और जे के बीच में एक लोग है क्योंकि जे यहां भी आ सकता है और जे यहां भी आ सकता है क्लियर है देर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन एम एंड जे फिर लिखा है देर आर ओनली थ्री पीपल सिटिंग बिटवीन जे एंड के तो आपसे कह रहे हैं जे एंड के के बीच में तीन लोग बैठे हैं दैट मीन जे और के एक दूसरे से चार प्लेस दूर हुए तो जे और के अपोजिट होने चाहिए तो हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि जे और के अपोजिट होंगे तो जे अगर यहां आएगा तो के यहां हो जाएगा और जे अगर यहां आएगा सॉरी जे अगर यहां आएगा तो के आपका यहां पर हो जाएगा ये हमारा इतना पॉइंट क्लियर हो जाता है ठीक है अब आप इसके बाद आगे क्या करोगे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो जे और के का पॉइंट आपका क्लियर हो गया आगे कह रहा है पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे अब पी कहीं भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है तो P इज द नेबर ऑफ J हम P को साइड में लिख लेते हैं J का नेबर होगा कहीं पर भी हो सकता है फिर देर आर ओनली थ्री पीपल बिटवीन P एंड L तो P और L के बीच में तीन लोग हैं P और L के बीच में तीन लोग होंगे ही होंगे ठीक है एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P यानी P के सेकेंड राइट right N हो जाएगा तो इतना डेटा आपको दिया था ये J और K वाला तो आपको क्लियर हो गया था अब पी जो पड़ोसी है वो किसका पड़ोसी है पी आपका पड़ोसी है तो माइडियर पी यहाँ तो नहीं हो सकता पी यहाँ हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि पी के सेकंड राइट एन है पी यहाँ होगा तो फर्स्ट सेकंड एन हो जाएगा और पी इज द नेबर ऑफ जे तो दैट मीनस अगर पी यहाँ नहीं हो सकता तो जे भी यहां नहीं हो सकता हमें क्लियर हो गया जे हमारा यहां होगा और पी इज द नेबर ऑफ जे तो आप देखिए जे आपका जैसे यहां आया तो हम जे को वापस लिख लेते हैं अब पी इज द नेबर ऑफ जे पी के राइट एंड वन टू यहां भी हो सकता है और पी के सेकंड राइट एंड अगर आपने देखा P यहां है तो फर्स्ट सेकंड एन यहां भी हो सकता है अच्छा पी और एल के बीच में तीन लोग हैं हमें यह भी दिया देर आर थ्री पीपल्स बिटवीन पी एंड एल ठीक है यह दिया है ना तो दैट मीन्स पी और एल एक दूसरे के अपोजिट है तो पी यहां रखूंगा तो ओ के अपोजिट जाएगा दैट मीन्स पी यहां पर आएगा जे का पड़ोसी भी होगा एल इसके अपोजिट आएगा p के सेकंड राइट right, n यहां पर आ जाएगा क्लियर है अब बचा कौन p q q बचा तो q आपका यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन पूछा क्या है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट कौन सा इनमें से, है से m इज द इमीडिएट नेबर ऑफ k m k का पड़ोसी है m l l और n का पड़ोसी है n इज द इमीडिएट नेबर ऑफ j एल इज एन इमीडिएट तो पहला गलत दूसरा गलत ओ के बाएं से दूसरा है के के बाएं. P तो o के दाएं है और o P के बाएं है। तीसरा भी गलत हो गया देर आर फोर पर्सन बिटवीन एन एन ओ यानी और अपोजिट है हाँ जी देर आर बिटवीन देर आर फोर पीपल बिटवीन न न गलत हो गया ये तो है ही नहीं आपसे तो कोई आप पूछा एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ने पहला गलत है एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अरे ये वाला सही तो है इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे हाँ एन और जे पड़ोसी है तो सेकंड वाला सही है डियर वाला अपना सही है सेकेंड वाला एकदम सही है नो no डाउट तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया सेकेंड वाला क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि की क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा चलिए एक काम करते हैं एक मिनट बीस सेकंड जो कि हमारा पुराना टाइम था उसी टाइमर को हम लोग लेते हैं और समझते हैं फिर से कह रहे आठ लोग बैठे हुए सर्वर डेब फेसिंग द सेंटर बट नॉट नॉटर इन द सेम ऑर्डर तो क्वेश्चन सिंपल है फेसिंग द सेंटर वाला क्वेश्चन है ठीक है इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम there is only one person between m and j there are only three people between j and k p is immediate neighbor of j i think ye wahi wala question hai kya p is immediate neighbor of j mujhe kuch yaad aa raha hai p is an immediate neighbor हाँ of... ये वही वाला क्वेश्चन हो गया Repeat हो गया Repeat हो गया Repeat हो गया Repeat हो, 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 हो गया कोई नहीं कोई नहीं अभी ना एक काम करते हैं जो रिपीट हो गया उसको हटा देते हैं यह क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें फेसिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड दिया है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करना। अच्छा क्वेश्चन है तो एक काम करते हैं इसके लिए टू मिनट्स का टाइम लीजिए सॉल्व करिए ठीक है टू मिनट्स का टाइम लीजिए सॉल्व कीजिए टाइमर ऊपर है ठीक है टाइमर को यहां पर कर दिया लेफ्ट में अच्छे से क्वेश्चन को देखिए अच्छे से सॉल्व कीजिए कहीं कोई गलती ना होने पाए उटवर्ड e, uh, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि तीन लोग तो ऐसे हैं जो आउटसाइड फेस करके बैठे हैं एंड वहीं पर पांच लोग ऐसे हैं जो इनवर्ड फेस करके बैठे हैं तो इस बार जो क्वेश्चन है वो फेसिंग इन साइड आउटसाइड का है तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा टाइम अप हो गया अभी हम लोग एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहां पर कह रहा है एट फ्रेंड्स कंडीशन समझ लीजिएगा बहुत कायदे से एंड उसके बाद आंसर कैसे करना है वो भी देखते हैं यहाँ पर बोला एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कल टेबल फेसिंग बट नॉट इज इन द सेम ऑर्डर थ्री ऑफ देम आर फेसिंग द आउटवर्ड एंड फाइव इज फेसिंग द सेंटर तो हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठा है बट फाइव का फेस इनसाइड है एंड थ्री का फेस आउटसाइड है हमने यहाँ पर कर लिया यहाँ लिखा है आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल यानी यहाँ पर दिया है फोर मेल कैंडिडेट्स एंड फोर फीमेल्स क्लियर सी इज फेसिंग द सेंटर यानी अब देखिए सी इज फेसिंग द सेंटर सी का फेस इन साइड है अब देखिए फाइव तो इन है नहीं 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 थ्री ऑफ देम आर फेसिंग द यस फाइव इन थ्री आउट थ्री आउट अब हमें क्या दिया है ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी यानी ई जो है

अब अच्छा मेल और फीमेल को दिया था वाइल द फाइव आर फेसिंग द आउटवर्ड एंड देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स फिर यहाँ लिखा है थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी तो एफ और बी के बीच में तीन लोग हैं तो यानी एफ और बी अपोजिट आ गए दोनों तरफ से तीन लोग होंगे फिर लिखा है द इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फीमेल्स तो बी के दोनों इमीडिएट नेबर क्या है फीमेल्स है हमने यहां पता कर लिया देखिए फीमेल फीमेल को हम लोगों ने सर्कल में रखा है और मेल को हम लोगों ने बॉक्स में रखा है रखेंगे मतलब जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ एफ के थर्ड राइट वन टू थ्री एक पॉसिबिलिटी है एक पॉसिबिलिटी जी तो जो है एफ के थर्ड राइट एफ इनसाइड देखेगा तो जी आपका यहां पर आएगा जी एफ के थर्ड राइट right. फिर यहां लिखा है डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए D is sitting third to the right of A. अभी ना हमें A का पता है ना ही D का पता है तो हम कहीं भी नहीं रख सकते बट एक चीज क्लियर है D और A के लिए पॉसिबल केस ये हो जाएगा कि किए तो ए यहां आए तो डी यहां आ जाए क्योंकि A और D तीन प्लेस की दूरी पर होंगे ये हमें क्लियर है तो देखिए आपका A B C D E F G H यहां पर आएगा एनी हाउ ये कंफर्म है

द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी इज अ मेल बी के थर्ड लेफ्ट जो बैठा है वो मेल है तीन no कोई भी पड़ोसी मेल नहीं है तो जी के uh, एक मिनट नो फीमेल इज एन इमीडिएट की कोई भी पड़ोसी फीमेल नहीं है तो ये भी मेल हो गया ये भी मेल हो गया तो बची हुई कौन हो गई फीमेल यहां पर आ गए अब कहा गया था फाइव इन थ्री आउट तो आउट आउट दो लोग तो हमें आउट वाले ये पता पड़े क्या तीसरा कोई आउट वाला पता पड़ रहा है आउट वाला कौन सा है अच्छा इन वाले हमें चार पता पड़ गए ए और जी की कहानी अभी बची हुई है राइट ऑफ ई के सेकेंड राइट right तो जी है ये आंसर तो हमें मिल गया बट आपको एक चीज दी थी ए के थर्ड राइट डी

आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बट आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली बेसिस पे हमें ज्वाइन कीजिएगा गुड लक